शुरू होने वाला है। दरअसल आपने डायरेक्टर को बिना बताया यहाँ पे वो क्या है मेरा पहला नाटक है ना, सोच आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप नाटक भले ही ना समझे लेकिन मुझे जरूर समझिए प्लीज। इसका मतलब ये नहीं है कि इस नाटक का डायरेक्टर कोई अनाड़ी है, क्योंकि वो तो बहुत ही काबिल और मशहूर डायरेक्टर है। दरअसल अनाड़ी मैं ही, मैं कौन हूँ क्या हूँ या नाटक में देखेंगे, कहने को तो मैं इस नाटक की नायिका हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक लॉलीपॉप जो हर नए कलाकार को किया जाता है कि वो इस नाटक का नायक है, इस नाटक की नायिका है, उसका रोल कितना खास है वगैरह वगैरह। बहरहाल मेरे पहनावे से आपको लग रहा था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का कैरेक्टर हूँ, है ना। मैं जानती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ वरना आप सीटी जरूर बजाते। अब हाँ, वैसे मैं बदसूरत भी नहीं हूँ क्योंकि आप मुझे बर्दाश्त जो कहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जिसे आप टाइम पास करने के लिए आप काम चलाओ तो समझते हो। जब मैं पैदा हुई थी तो लोगों ने कहा बधाई हो लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, घर को धन धान्य से भर देगी। माँ ने पैरों में पायल बांधी, छल छल करती पायल। मैं छोटी थी ना, जब भी आंगन में चलती थी लोग कहते थे ऐसा लगता है मंदिर में घंटियाँ बजती। फिर मैं सरकारी स्कूल जाने लगी तब ये सब ठीक था, मैं छोटी थी। लेकिन जब मैं सरकारी स्कूल से कॉलेज गई तो अचानक बड़ी हो गई और मेरा बोझ बहुत भारी हो गया। इतना भारी हुआ उस बोझ की थकान मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर दिखने लगी। आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा ना, मतलब कम से कम आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली। सॉरी मैंने आपको मिडिल क्लास फैमिली होना काम तो बुरा तो नहीं लगा ना। वो क्या है ना, मैं अपने मम्मी पापा को उदास नहीं देख सकती। माखन खुदा वालों का वंश कैसे बढ़ेगा, सही है माखन खुदा वालों के वंश का हाल।
हमारे फोटोग्राफर ही तुम्हारे गांव की लगी थी, हमें याद है। वाह, तुम्हारा तारा का तारा भाग उसी घड़ी पर मैं सिमट कर रह गया रहा। बाद में एक भी कक्षण के दर्शन नहीं हुए। एलबीसी में भर्ती हुए अकाउंटेंट में दिखाए 40 साल में। पैसों से मिला तो ये हमारा भाग नहीं तो किसका भाग है? 40 साल में एलबीसी से अकाउंटेंट इसी भाग पर फूल रही हो। परेशान हो जाती, फिक्र नहीं करूँ या वो
साथ चार हाथ नहीं है मेरे, और अगर होते भी आ तो भी कम नहीं पड़ता, उनका काम ही इतना होता है। मेरी काबिलियत के कारण नहीं, इस सो कॉल्ड दोस्ती के कारण।
मीटिंग का सो कॉल्ड ओके ओके सुबह शाम मिलते हैं इसलिए अदर नहीं हो सकते ओके देखा नहीं क्या बोल रहा है है अगर नाटक खेलना है तो पहले इस लड़की को बताओ फालतू बहस करने से क्या है मैं कुछ बोलूं आप दोनों बात कर रहे थे इसलिए मैंने बीच में टोकना नहीं चाहा बट आई एम सॉरी मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है थैंक गॉड तुम कुछ बोली तो विनोद तुम किसे समझा रहे हो अरविंद को जानते हो अरविंद कौन है अरे अरविंद कोई मामूली डायरेक्टर नहीं है समझाया उसे जाता है जो ना समझ हो मैं अरविंद को ना समझ नहीं समझती और अगर अरविंद विजया को अपमानित कर रहे हैं तो इसमें जरूर इनकी कोई समझदारी होगी क्यों अरविंद जी What? मैं विजया को अपमानित कर रहा हूं इसका मतलब है कि अब मैं किसी भी आदमी से कुछ बोल भी नहीं सकता Thanks. Thanks, sir. Thanks for this real compliment. देखा नहीं हो? मुझे ये मिला है. सिचुएशंस में तो जस्ट कॉन्ट्रास्ट फेज जो डायरेक्टर ने चेंज नहीं किया
नदी पार कर सकती हूँ, पहाड़ लांग सकती हूँ, एक डायलॉग नहीं बोल पा रही, थाक लांग सकती हूँ, अरे तो लांग सकती हूँ, मेरा मतलब है ठीक ही तो बोल रही हूँ, इसमें बताना क्या है? नहीं, जैसे सर चाहते हैं वैसा बताइए ना, सर क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, आप बताना। देख लीजिए आप, तू जितना भी अच्छा कर लेगी ना, अगर कभी अच्छा नहीं बोलेगी, इसलिए तो तुम सब की फिक्र छोड़, बस अपने रोल में डूब कर दो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा दीदी, सब होगा, तू बस बस अमृता की कोल्डनेस मिला, कोल्डनेस मुझ में नहीं है दीदी, अब क्यों नहीं समझ पा रही है? अब सर से कहकर मेरा रोल बदलवा दीजिए ना। अच्छा, कौन सा रोल करना चाहोगी फिर? वो सासू माँ वाला, सासू माँ वाला रोल। अच्छा बोलो, डायलॉग बोलो, हिंसा वाला बोलो, वो पलक वाला ही बोल दो। अयो करमजली, आजकल तेरे लकड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं, किसी और की कार में आने का क्या मतलब? क्या इस शहर में ऑटो और बस नहीं चलते? हमें अपने बहू से नौकरी नहीं करा दी, पल्लू ओढ़ो और घर। तुम्हें अच्छा लगा? क्यों? क्योंकि यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट की, कूलनेस की, कैरेक्टर को जीने की जरूरत है, तो क्यों ना तुम अपना ही रोल करो। विजया तुम कर सकती हो, अमृता को अपने अंदर बैठा दो, सोचो कि तुम विजया नहीं अमृता हो, वो अमृता जो 18वीं सदी की नहीं 21वीं सदी की है, ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझती है। बोलो पहले, बोलो। मैं अमृता हूँ अमृता, मैं जो चाहो कर सकती हूँ, जहाँ चाहो जा सकती हूँ, नदी पार कर सकती हूँ, पार। देखो विजय, I'm sorry, जब काम ठीक से नहीं होता है तो मैं उखड़ जाता हूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? विजया को क्यों भेज दिया? उसे बदलना ही होगा, कमाल है। अरे मैं तो अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, ये तुम्हारी डिक्टेटरशिप है। सर, विजय से तो क्या हो गया? वो रो रही है। अरे मैं भी अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भीख मांगता हूं कि तुम सब लोग मुझे बर्दाश्त करो। क्यों करते हो बर्दाश्त? क्यों कहते हो कि अरे इतने करो, बहुत दिन हो गए, कुछ होना चाहिए। मैंने तो नहीं कहा था ना मैं खेलने के लिए। तावेश, तुम अभी नए लड़के हो और अच्छा आर्टिस्ट, अगर तुम्हें थिएटर में कुछ करना है तो कोई दूसरा ग्रुप देख लो, इस ग्रुप में कुछ नहीं होगा, अंकित मर चुका है, तो ठीक है हम लोग दूसरा प्ले उठा लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, क्या प्ले नहीं करेंगे तो मर जाएंगे? प्ले नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते? कोई जरूरत नहीं है प्ले करने की, बंद करो, चलो घर। अंकित नहीं मरेगा, तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, अनु तुम भी नहीं करना चाहती तो भी ठीक है, मैं करूंगा अपनी खुशी के लिए नहीं, ये ग्रुप जिंदा रहे इसलिए। कामेश, कल तुम ले जाते हो चले जाना, उसे आने के लिए कहना, बल्कि उसे साथ में ले आना, इस प्ले को आप बैठ आए चाहिए, आप लोग चाहिए ना, क्यों अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? अनु चाहिए आप शॉपिंग करिए, और अभी चाहिए आप कंप्यूटर पर गेम खेलिए। प्ले को देखने आएंगे ना आप लोग कि वो भी नहीं आएंगे? नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सर मेरी फैमिली तो आ सकती है ना? बस बस, तुम्हारी फैमिली और मैं, बाकी किसी को मत बुला, क्योंकि दूसरों के देखने लायक तो प्ले बनेगा नहीं। बहुत हो गया।
साफ साफ बताओ कल रिहर्सल पर कितने बजे आ रहा है। तुम लोग भैया सर मजाक कर रहे थे। जो जो मम्मी 50,000 50,000
इंटरनेट बिजनेस। हाँ वही इंटरनेट बिजनेस। तो लाइए 5,000 रुपए दीजिए। 8,000 में तो मैं तभी दूंगा जब आप दो मेंबर पकड़ कर ले आए। अरे पापा पहले मैं दो मेंबर बनूंगा ना, दो मेंबर बनाऊंगा। तो आपकी मैडम की से मांगिए 5,000। देखा मम्मी पापा का जवाब सुनो। दे दीजिए ना, 5,000 तो मांग रहा है, जे 3,000 लगती है। मैंने पहले ही कह दिया है, पहले दो मेंबर पकड़ कर ले आइए, वो दो मेंबर मेरे सामने वचन दे कि मेंबर बनेंगे, सब 5,000 रुपए दे दूंगा। पक्का? एकदम पक्का। मिला लीजिए। मम्मी आपके सामने की हुई है, आप गवाह हैं। अब अगर पापा अपनी जुबान से निकले तो आप जानिए। यार पहले दो मेंबर पकड़ कर तो ले आ। अभी है, अभी आता हूँ। अंदर कहा जा रहा है, बेडरूम में घुस है, क्या मेंबर? वो पापा मैडम को ऑफिस नहीं छोड़ना है। अच्छा मुझे ये बताया हमारी कंपनी ने, अब मैडम का दीवानी है, देखना क्या देखना। अरे जेना ही कि हफ्ते में कम से कम एक बार करने का इस ऑफिस का जी ले लिया। तुमने कभी कहा उसे? बिना कहे ना ही गया सकी का। अरे पहले कह कर तो दे।
जब भी आप स्कूलों में निरीक्षण करने जाते हैं सरप्राइज के लिए क्या करते हैं? मेहनत का खरा दूध मिला है, सब मृत्यु
की धीमी नौकर हालातों के सामान को मंजिल तक घोल ले दिया। ख्वाबों की आंच पर रखा दिल का पतीला। जब वक्त का रंग पक्का हो जाए खुशियों की झरनी सिंचन कर खाए आओ पिए गर्मा गर्म खुशबूदार और कड़क एक कप जिंदगी की चाय। बस एक कप जिंदगी की चाय। चाय अच्छी है ना? मैंने कल एक अजीब बात देखी है अरविंद। तुम लोग जब चाय पीने बाहर गए थे तो मैं विजया को कुछ समझाने लगी। अचानक लाइट चली गई और वो ऐसे डर गई जैसे छोटी सी बच्ची हो। क्यों? सिर्फ लाइट चली गई थी इसलिए। लाइट चली गई? कब? तुम्हारा ध्यान कहाँ है अरविंद? एक कप जिंदगी की चाय। मैं तुम्हें विजया के बारे में कुछ बता रही हूँ। हेलो, तुम उसे बदल दो। विजया ये रोज नहीं कर पाए। देखो अब मैं थक चुका हूं, मुझमें अब पेशेंस नहीं है। अब अगर मुझे कोई उम्मीद करता है कि मैं एक्टिंग सिखाऊंगा तो ये मेरे साथ बेइज्जती होगी। मैं स्किल्ड एक्टर चाहता हूँ रॉ नहीं। अरविंद देखो विजया नई लड़की है मानती हूँ, लेकिन लेकिन उसमें ऐसा कुछ है जो मेरी समझ से अमृता में होना चाहिए। मसलन? मसलन उसमें कुछ करने की तरह प्रकाश में आने की तरह। जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता। हो सकता है ऐसा ही हो and I'm sure कि यही खासियत उसे अमृता बनाएगी। देख लेना। तब तो तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट गलत। देख तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट गलत बहुत अलग तरीके से। अरविंद विजया का जीवन दो फेजेस में बटा हुआ। पहला फेज जब वो डपो और डरपो का होता है और दूसरा फेज जब वो एक बहादुर और जुझारू अमृता है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम विजया के चेहरे पे वो पहली वाली अमृता की झलक कैसे नहीं देख पा रहे हो। देख पा रहा। पहली अमृता वो अमृता है जो विजया को है। हाँ। पर दूसरी अमृता वो है जो विजया नहीं है। आखिर विजया को अभिनय दूसरी अमृता के लिए करना है जिसकी उम्मीद ही मुझे नहीं दिखी। इसलिए बार बार कहता हूं तुम विजया को बदल दो। कुछ पावरफुल एक्ट्रेस है क्या? मैं तो नाटक का भगवान ही मालिक। मैं तो मेरे को चेंजेस पा रही लग रही। तुम कभी ऐसे नहीं थे। कैसा मामला? पुरानी बातें छेड़ो की तो बुरा नहीं मानोगे? कौन सी पुरानी बात? जब कॉल साहब ने मेरे बारे में ऐसा ही कहा था और तुमने मेरे लिए उनका भूत छोड़ दिया था। इतना बुरा लगा था मुझे जब उन्होंने सबके सामने मुझे चीफ कॉलेज लेवल एक्ट्रेस कहा था। और मुझसे भी ज्यादा बुरा तुम्हें क्यों बुरा लगा था तुम्हें? क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हें अच्छी एक्ट्रेस हो। कैसे जानते थे? तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के और कुछ? सिर्फ इसलिए? हाँ सिर्फ इसलिए। कितने झूठे हो तुम अरविंद, कितने फरेबी। झूठ बोलते और छुपाना भी नहीं जानते। इन सब बातों का क्या है? हर बात फायदे और नुकसान की नहीं होती अरविंद। अच्छा मैं चलता हूँ। जाओ। रुको तो। तुम सिर्फ प्ले पर ही बात करना चाहते हो। मैं तुम्हें प्ले से बाहर खींचना चाहती हूँ। जानता हूँ। चलता हूँ। मान लो विजया ने ये कैरेक्टर अच्छी तरह निभा लिया तो। और अच्छी की डेफिनेशन क्या? अच्छी तुम्हारी नजर में। ओके तो क्या? यही तो मैं चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी। किस बात की खुशी होगी? नाटक अच्छा बनेगा और किस बात? बस नाटक अच्छा बनेगा सिर्फ इस बात की खुशी होगी तुम्हें। तो क्या? आखिर मुझे नाटक से ही मचा था। वो लड़की चाहे लक्ष्मी बाई बने दुर्गावती बने मुझे उससे क्या? बस स्वामिता बन जाए उसकी मुझ पर यही मेहरबानी होगी। मेरी बात समझ रही हो? सॉरी अरविंद, नाटक से हटकर भी कभी सोचा करो। कलाकार इंसान भी होता है। अरे तुम नाटक में क्यों हमेशा? देखो नाटक अपनी जगह है और हमारी निजी जिंदगी अपनी जगह है। तुम दोनों वापस तो कुछ मत करो अनु। मैं टेंस हो जाता हूं इस बात से। मुझे तो लगता है तुम मेरी प्रेजेंस से ही टेंस हो जाते हो।
की बात नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी कि डायरेक्टर के लिए एक्टर भले ही पपेट हो, लेकिन एक इंसान के लिए तो वो भी एक इंसान होता है। मैं तुमसे बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बात पर भी खुश होगी कि विजया अपनी निजी जिंदगी में भी अमृता को महसूस करने लगी है। एक्टर सिर्फ पपेट नहीं होता अर्जुन। वापस वही आवाज़ें सुनाई देने लगी, पर वो अपनी लगती थी, लोग पहचान रहे थे मुझे।
मंच से जल का क्या संबंध? जल कहते किसे हैं? ये लीजिए मेरे पास। अरे मेहमान से पैसे ले लिया वो तो। अरे नहीं नहीं
कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है ऐसी बात, क्यों नहीं है ऐसी बात? तो ठीक है, है फिर क्या है? पता नहीं। अरे धन्यवाद, अरे धन्यवाद तो बोलना चाहते ना। जी हाँ, अब मैंने आपको कल देखा है। मैं अभी अभी देखा है, अभी से 10 रुपए लिए। और थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पास बिजनेसमैन जैसे रहे। तो अभी आपकी बात करी आज तो अनु, क्या नाम है आपका? जी कामेश। कामेश नाम तो बड़ा ही खतरनाक है। आज तो कामेश जी, ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? पहले ये बताइए आप काम क्या करते हैं? मुश्किल सवाल है ना। ये बताइए, छोड़िए, ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? जी यहाँ इसलिए आया था कि अंगुली जी का मैसेज था कि जिया जी पास रिहर्सल में पहुंचना है। रिहर्सल? सर क्या सुनिए, सर तो है कि रिहर्सल बेटा जो नाटक के लिए नौकर तो नहीं है ना पिताजी।
बेचारी विजया में इतना काम करना पड़ता है। मैडम के लिए भी अच्छा ही रहेगा। नौकर नहीं रखूंगा। तो फिर कौन करेगा घर का काम? आप करेंगे घर के काम। ये लो मैं करूंगा, ये घर का काम मैं करूंगा। तो क्या बुराई है? मैं पीजीडीसी हूँ पिताजी। ओ तो क्या हो गया? डीपीजीडीसी तो नहीं होना, डीपी तीन तो नहीं होना, डीपी तीन तो नहीं रहे, पीसीडीएफजीएस तो नहीं होना। माना कि हाईली क्वालिफाइड हो लेकिन वो भी बीए बीएससी बीएम फाइनल में है। लेकिन घर का काम तो और तो कहीं करना चाहिए ना। तो कहो ना अपनी मैडम को, क्या करे घर के काम? मैडम नौकरी करती है पिताजी। आप तो नौकरी नहीं करते पुत्र जी। गाँव का उम्मीद का चुका ही नहीं आवा है। जब नहीं तब चौपाई अच्छा जाइए नौकरी ना करूँ तो कहिए। नौकरी क्या मेरे जेब में रखी है? क्या आपको जब नौकरी दे नहीं सकते तो बार बार नौकरी की टेस्ट सुनाना जरूरी है क्या? अखबार पढ़ते हो ना आपको? अरे पढ़ता हूँ तो। अरे तो फिर जाओ महाराज अप्लाई करो। पहली बार मुझे किसी ने मारने की सलाह दी है ना, तो जाओ अब सलाह पर अमल करो। मेरा माथा मच्छा तो एक कर चुका हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ यही कर रहा हूँ मैं, और थक चुका हूँ। अप्लाई अप्लाई नेवर अप्लाई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मैडम को फंसा कर शादी कर ली ना, नहीं तो इनके भरोसे रहता तो तुम्हारा रह जाता जैसे बैठी बढ़ाता रहता रहा है ना बिचिया पर। तो उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढते? बिचिया आपकी लाइब्रेरी है मेरी नहीं। ओ तो तुम्हारी क्या लाइब्रेरी है? मैं भी तो जानू। मैं भी आपकी लाइब्रेरी। तुम लाइब्रेरी हो? हाँ आपकी, ये पूरे देश की। अरे बोला मैन पावर लाइब्रेरी में नहीं आती है, एसेट में आती है, पता नहीं कब छुटेगा। Thank you.
कमिश, तैयार हो? हाँ, बोलो, डायलॉग बोलो।
जी हाँ ये ये तुम तैयार हो, यही मैं कपड़ा है तुम्हारा और यही साड़ी पहना है। ये चुपके चुपके बाल, ये लंबी चोटी, हाथों में इतनी चूड़िया, पार्टी में जा रहे हैं पूजन नहीं, थोड़ा ग्लैमरस बनो, थोड़ा फिर डेवलप करो अमृता। हम ऐसे ही ठीक है जी, हमारी अम्मा जब भी बाहर जाती है ऐसे ही तैयार होती है। मनीष सॉरी दीदी, विजय जी का डायलॉग इतना अच्छा बोलते है कि हंसी रोके नहीं सकते। सच में बहुत प्यारा बोलती हूँ। अरे भाई थैंक्स बोलो, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। थैंक्स। चलो की प्रैक्टिसिंग हाँ कुछ ना। आगे बोलो। जाइए मैं नहीं बोलती, मुझसे नहीं बनता है तो आप हंसते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझको बुरा लगता है तो नहीं ऐसी। आगे बोलो, उधर मुझसे भी डांट लगाएंगे। बोलो डर अमृता, अमृता तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? ओ, मैं पार्टी में चलना है कि नहीं? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ जी। ये तुम तैयार हो? यही मेकअप रहेगा तुम्हारा और यही साड़ी पहनोगी। चुके चुके बाल, लंबी चोटी, हाथों में इतनी चूड़िया, पार्टी में जा रहे हैं पूजन नहीं, थोड़ा ग्लैमरस बनो, थोड़ी अपील डेवलप करो अमृता। Thank you.
निर्देशक अभिजीत चौधरी, निर्माता श्री युवराज शाह, मुझे अमृता चाहिए। बहुत दिनों से अलग रहने की बात कर रही है और नारायण कहीं का कर बैठा बैठा चोर
तुम एक प्रॉपर्टी डीलर
बिजनेस, ओनली बिजनेस, आंखों में होठों पे प्रॉब्लम से, ओके गो। और कामेश जी सर, तुम एंट्री राइट पिन से लोगे एंड हु आर ड्रंक, हजार रुपए की खुराक में दो बैग और हल्की से लड़ रहा आगे लिखा। और थोड़ा सा ये थोड़ा ज्यादा है, पहले से ओके गुड। और विजय, विजय क्या हो? ओके, तुम अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस में जो तुम्हारा खुद का बना हुआ है, अपनी मेहनत से, अपने बल बूते पर, अपनी मर्जी के बगैर तुम किसी भी आदमी का अपने ऑफिस में आना पसंद नहीं करते। तुम्हारा रुतबा है तुम्हारा ऑफिस में, सब कांपते तुम्हारे नाम से। तुम अपने ऑफिस में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील कर रही हो कि तभी तुम्हारा पति शराब पीकर आता है। तुम कैसे रहते हो? तुमने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है? Yes. अपने कैरेक्टर को समझा? जी बिल्कुल। ओके वेरी गुड, ऐसे करो। ओके आप लोग सीन ब्रेक के लिए, आपके हाथ में स्क्रिप्ट है, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप लोग ऑफिस में सीन लगाइए और आप सबको अपने अपनी जगह पर खड़ा करो। यस बॉस। कमिश तुम बाहर जाओ, अपने समय में एंट्री ले लो। विनोद तुम यहाँ जाओ और विजय हरे आओ। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो और सब सर भी कह रहे थे अच्छे से करना। हाँ गुड लक। और हाँ ये मेरी हैंड्स। ओके स्टार्ट विजय, डालो बोलो। यस सर। तो तुमको
मन की दुनिया की रानी तो क्या हो, लेकिन घर का राज्य तुम्हारा होगा, खाना की यहाँ पर तुम्हारा राज चलता है, लेकिन घर पर तो मेरा राज चलता है ना। और ले ले तो मत खाया मत खा ये तो ले अमृता, तुम मेरे बेटे होकर मुझे ऑफिस से निकाल रही हो, ठीक है ऑफिस तुम्हारा है लेकिन घर तो मेरा है ना, मेरा। आज शाम को मैं तुम्हें अपने घर से निकालूंगा, चल पहले छूट मूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
गेट खुला ही था। हिटलर शाही में घर छोड़ी चलता है। भाभी ऐसा मत करो ना, इस घर को मत तोड़ो। अगर तुम्हें टूटा सा लगता है तो तुम यही सोचो, वरना मैं ये नहीं समझती। क्यों चापलूसी कर रहे हैं इन लोगों की, जाने देंगे। जब आटे दाल का भाव पता चलेगा तो डॉक्टर फिर यही आएंगे, तू देख लेना। अरे शांत मत हो पूजा। हाँ हाँ पापा, हम लोग जा रहे हैं अपने पैरों पर खड़े होने, अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, जाइए। अरे पिताजी वो इतना आज्ञा बिन पैसा रे, आशीर्वाद दीजिए, मेरा मतलब कुछ पैसे दीजिए। क्यों दो, उसे माल खरीद को देंगे। के काले रखा है, भगवान करे आप जैसा बाप किसी को ना मिले। मम्मी लाइए, आप भी आशीर्वाद दीजिए, यानी पैसे दीजिए। चल जा रहा है, समझा बता यार अपनी को। ओ सो मम्मी, आप इन बातों का कोई फायदा नहीं, अब मैडम ने डिसीजन ले लिया तो ले लिया। अरे ये सब पहले सोचना था ना, एक तो ये थकी हारी ऑफिस से आए और आते ही इनकी भौं भौं और तुम्हारी की की सुने, अच्छा अलग हो जाना तू भी सोचो। अच्छा अच्छा ठीक है, जा बुझा यहां से, जा जा रहा हूं। जब तबीयत खराब होगी ना तब याद करेंगे। अरे डॉक्टर का बुलाने मैं लेके जाता था, और जब पेंशन लेने जाते थे तो मैं ले जाता था, तब सोचेंगे। बट मैं नहीं ले जाता था, हर बार का ₹2 लेते थे तभी दोस्त। अरे पैसे खाने अपने लड़के को ₹10 देती तो कौन सी बड़ी बात है। अरे जो होता है कि लगाओ चार लाख पार जाता हूँ जाता हूँ। अरे जल्दी करिए माता जी, है कुछ चीजें कर कुछ चीना। देखा पापा, ये होती है माँ, ये होता है माँ का प्यार, ये होती है माँ की ममता। ये अरे ये क्या माँ पर दस रुपए लड़के वाले दर जगह अप्लाई करते हैं, उसी तरह लड़की वाले भी तो दर जगह अप्लाई करते हैं।
कहीं आपकी लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बताइए, आके बताइए। वैसे कहा है अगर आप ठीक करते तो गलत होगा। वो कहा है ना, जब एक दिशा में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है तो दूसरी दिशा में तान झांक करना कहते के खिलाफ है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आगे बताइए ना। हमने जिज्जा जी से कहा, क्या कहा पता है? बड़ा सुशील परिवार है, पिता सुंदर है, माता जी की कहने नहीं किया, वाह, और आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी है श्रीमान, लक्ष्मी। और आपके पुत्र, आपके पुत्र कहीं दिखाई नहीं देते श्रीमान, तरह बुलाइए तो। वो चला गया। चला गया? ओ कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, बधाई हो, नौकरी मिल गई क्या? मेरी नहीं है, वो तो पहले से ही नौकर था। और वैसे आप उसके पीछे काहे पड़े हैं, अपनी बात पर आइए। तो असली बात ये है ना श्रीमान, इधर आइए। तो असली बात ये है कि चिच्चा जी तैयार हो गया आपकी यह रिश्ता करने के लिए। धन्यवाद हमारे, धन्यवाद हमारे। बस 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 एक अच्छा श्रीमान, कैश करना है, कैश बढ़ा दीजिए। लेकिन लड़का तो समझे श्रीमान, हीरा है, हीरा लाखों नहीं करोड़ों में एक है श्रीमान। भला ऐसे लड़के को केवल एक लाख का इज्जत रह जाएगी श्रीमान? हमें टीवी तो सोचना पड़ता है ना, आप सोचते होंगे कि लड़के के शादी में कम खर्चा होता होगा, बारह कपल बंद करना, घोड़ी वाले को देना, पुतली वाले को देना, मान दानों को स्कूल बनवाना, वह विदाई बाजा बाजा लड़के से जो भी मांगता है दुख में चौके मांगता है श्रीमान। आपने भी तो ये सब किया है ना श्रीमान, आपने भी तो ये सब झेला है। मैं तो बस आपको एक पर्सनल सलाह देने आया हूँ, और सलाह तो सुनिए, आइए बैठिए, आइए श्रीमान बैठिए। हाँ पर्सनल सलाह ये है श्रीमान, कैश बना दीजिए, वरना मामला अभी से बिगड़ सकता है श्रीमान। बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम कम है श्रीमान। और फिर अपने बिरादरी में ऐसा लड़का आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा श्रीमान, बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम कम है। क्या करता है आपका मामला? कैसा प्रश्न कर रहे हैं आप? बातचीत की फाइनल तौर पर ऐसा प्रश्न उठाने पड़े, बोलता क्या है श्रीमान? पहले भूल गया था, जॉब करता है? सरकारी है या प्राइवेट है? प्राइवेट कंपनी में, कंपनी में है। कितना वेतन उठाता है श्रीमान? आपको ये रिश्ता करना है कि नहीं करना, जल्दी बताइए। अब आप उसका वेतन पूछ रहे हैं? क्यों ना पूछो, क्यों ना पूछो, जिस लड़के से मैं अपनी बेटी का ब्याह कर रहा हूँ वो कितना कमाता है ना पूछो। 14,000 महीना। सैलरी स्लिप दिखाइए। क्या? अरे सैलरी स्लिप दिखाइए, कोई प्रमाण दीजिए कि आपका भांजा 14,000 रुपया महीना कमाता है। मतलब ये श्रीमान क्या संदेह कर रहे हैं हम पर? जी नहीं, ये मेरी बेटी की भविष्य का प्रश्न है। श्रीमान आपको क्या लगता है कि हम लड़के वाले आपसे झूठ बोलेंगे? लड़के वाले क्या किसी दूसरी फैक्ट्री में बनते हैं? एक ही फैक्ट्री में बनते हैं लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। और जब आप हमसे लड़की की मार्कशीट मांग सकते हैं तो क्या आप आपसे लड़के की सैलरी स्लिप नहीं मांग सकते? इसका मतलब ये हुआ ना श्रीमान कि आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं? जी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हम आपकी बराबरी में आ रहे हैं। नहीं आ सकते श्रीमान, नहीं आ सकते, इस तुच्छ मनोवृत्ति के कारण आप हमारे बराबर कभी नहीं आ सकते। ठीक है, प्रणाम है आपको। अरे कुछ समझ रहे हैं आप, कुछ बुद्धि है आपने? अरे पूरे बिरादरी में हल्ला हो जाएगा कि आपने लड़के वालों का अपमान किया है, फिर भूलते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा कोई लड़का आपके बेटे के लिए, फिर पिता का रखना उसको जिंदगी भर घर पर और भोगा समाज के आक्षेपों को। क्या कहिए अंकिता जी को? कह दीजिएगा कि लड़की ने ठुकरा दिया है लड़के को, जाइए। कुछ बनाना चाहता है, मकान पुरुष बनाता है,
उसे घर बनाती है और ना देव पुरुष बनाता है उसे रिश्तों में बदलती है और औरत बच्चे को बेटा बनाती बेटी बनाती है। एक पुरुष को पिता पुत्र पति भाई औरत बनाती औरत बेटी। दरअसल पुरुष में जो भी क्रिएटिविटी है उसने औरत से बहुत शक्तिशाली है प्राकृतिक रूप से शक्तिशाली इसीलिए उसे शक्ति माना जाए साक्षात दुर्गा। लेकिन समाज ने उसे अनेक ढंग से कमजोर किया। समाज यानी कि अप्राकृतिक और बनावटी आर्टिफिशियल संस्था जिसे पुरुष ने बनाया। विवाह के नाम पर उस नया शास्त्र खोल लिया जिससे औरत को गुलाम बनाया जा सके। ऐसा हो गया दुनिया भर के मजहबों के जरिए उस पर ऐसी पाबंदियां ला दी गई कि जननी एक बेबस गुलाम भोग की वस्तु बन गई। औरत के लिए विवाह करना जैसे धरती पर जन्म लेने का सबब बन गया। क्या जरूरी है विवाह करना? क्यों जरूरी है विवाह करना? अमृता पहले विजय एक साधारण आम व्यक्ति उसके संघर्ष ने उसे अमृता बना। वो चाहती तो अपने पति के रहमो गर्व पर पड़ी है उसकी मार सहती रहती उसकी गालियां सहती रहती ये ज्यादा सरल पर नहीं उसने ऐसा नहीं किया। एक बार भी उसका कैरेक्टर नहीं बदला। धीरे धीरे दुनिया के कठोर अनुभव ने उसे अमृता बना और स्थितियां ऐसी आई कि पूरे घर का भार उसके कंधों पर आ पड़ा। उसके सामने दो ही रास्ते या तो दुनिया से रहम की भीख मांगे हर कदम पर दुनिया के सामने गिर गिराए या स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रास्ता खुद बना। और उसने दूसरा रास्ता क्योंकि इसमें खुददारी एक स्वाभिमान And that is the only right taboo. कब तक ऐसा जुल्म करते रहोगे मेरे साथ? और
मैं सहती रही क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति मान ली। लेकिन अभी इसी वक्त से मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, मैं अपने आप को तुमसे आजाद करती हूँ। Stop! 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 St
धड़कती लौट तुम पहचान लो पहचान लो, आ रही है आप जो उसकी खनक को जान लो हाँ जान लो, कह दो कि जो दिन मैं तुम्हारे सदियों से है जहां, वक्त की रफ्तार को तुम थाम लो हाँ थाम लो, अपने अंदर की धड़कती लौट तुम पहचान लो पहचान लो पहचान लो। कोरियोग्राफी तो सही है लेकिन और काम करना पड़ेगा। फाइनल कॉल अभी थोड़ी देर शो में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, आप लोग टिकट सेलिंग कर रहे हैं ना? यस मैम। रमेश जी तुम नए आर्टिस्ट हो, तुमसे उम्मीद ज्यादा है, किस पर तुम्हें? अरे भाई टिकट सेलिंग की हॉल इसकी मत कर रहा मैडम। जानते दादा आज मैं सुबह सुबह ही नानी के घर चला गया था, पूरे एक लीटर पेट्रोल खर्चा हो गया, तो थोड़ा दूर है ना, पूरे 20 टिकट दिया दादा, कभी चल जाएंगे देखना। विनोद क्या भाई पैसे जमा करो फिर क्या दादा? भाई जो टिकट बेचे हैं उनके पैसे जमा करो। कर देंगे ना दादा, वो थोड़ा खर्चा हो पर पूरा पैसे जमा कर दूंगा दादा। विनोद हॉल की सफाई के लिए किसी को बोल दिया है ना? किसको बोलूंगा किसको बोलूंगा, 200 रुपए लगते हैं सैंक्शन करो बोल देता हूँ। अरे जिसने पिछली बार साफ किया था उसने तो नहीं लिए थे। हाँ नहीं लिए थे। अरे तो उसी को बोल दूँ ना। ठीक है बोल दिया। बोल दिया नहीं बोल देना। अरे बाबा अभी साफ करना है क्या? बोलो अभी साफ कर दूँ। तुमने साफ किया था क्या? I'm so sorry विनोद मुझे पता नहीं था, पर तुमने कब साफ किया? मैं कहाँ थी? मैडम शो के पहले जब आप लोग ब्यूटी पार्लर में रहती हैं ना हम यही सब काम करते हैं। मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती। अच्छा तब ये हाल है। सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके पूरी क्लास आ गई? हाँ सर। विजय था? विजय नहीं है। देखा मैंने बोला था ना यही होगा। अरे आ जाएगी विजय आती ही होगी। अरे हर बार ब्रांडेड ले लेते हो और दिन कितने बजे का एक बार वो दे आ दो। अच्छा क्या बात है तुम परेशान लग रही हो? दीदी वो कल रात पापा को हार्ट अटैक आ गया। क्या कब? कल रात करीब 1:30 बजे। अब वो कैसे? ठीक है। आरिश और तुम्हारा भाई आया था? नहीं आया था, सिर्फ मैं और मम्मी थे। अरे तो भाई हमने से भी किसी को कॉल कर दी थी ये जब आप चलो ये था कैंसर। हाँ। हम विजय के नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी जरूरत हम जाते हैं। हाँ जल्दी सर। अरे हम मिलके आएंगे चलिए। सर वो चाहते हैं कि एक हफ्ते बाद शो है, दरअसल मैं उनके कहने पर ही आज यहाँ पर आई हूँ। घर से बाहर गया आप देखिए ना ये। ओके ठीक है बट तुम रिलैक्स होना। ठीक है चलो चलो।
लगता है खाना घर पर ही मिलेगा। क्या? लेकिन तुमने कहा
हाँ हाँ मैंने सोचा था कि खाना होटल से आएगा, इतनी जल्दी घर पर कैसे बन सकता है? देखो मैं यहाँ खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे खाना बनाना होता तो वही बनाता। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए और मैं नहीं बनाऊंगी। अब तो बस एक ही काम हो सकता है, चलिए हम दोनों भाग चलते हैं। खाना सस्ते होटल में खा लेंगे। चलो चलो चलो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों भाई? जा जा
दरी लेके आ, बिछा भरोसे में मदद करते जा। मैं खाना भरोसूंगा नहीं, मैं साफ बता देता हूँ। मेरे बेटे बड़ों से कुछ सीख ले, जब हम नहीं रहेंगे तो किससे सीखेगा? अरे तुम फिर आ गई, अरे खाना कैसे बनेगा? हमारे कर
डिनर तो बहुत अच्छा बना है। थैंक यू भैया। आपने तो लिया ही। और विनोद सर आप? नहीं, मैंने तो पूरा कर लिया। थोड़ी सी और सर। अरे नहीं, मैंने पूरा कर लिया और कुछ नहीं लाया। क्या पूरा कर लिया? अरे अपना कुत्ता। जेब में कितनी रखिया ना, दिखाओ। करासी ले लीजिए। जॉब किटी है। देखो कितने प्यार से खिला रही है उसको। खाता भी कम है। अंकल मजा आ गया। अरे जा कहाँ रहे, बैठिए ना पूरी। नहीं अंकल, सब लोग थक गए हैं ना, निकलेंगे। पूजा भी और रवि को धन्यवाद कहना, सच में खाना बहुत अच्छा था। फिर आइएगा आपको ना।
प्रेक्षकांसाठी सूचना, उद्या सकाळचं नाटक रद्द झालेलं आहे, कृपया नोंद घ्यावी. उद्या संध्याकाळी 7 वाजता नाटकाला सुरुवात होईल. धन्यवाद.